नमस्कार दोस्तों, वेन टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न, यानी हमें रिवाइज रिटर्न कब फाइल करनी चाहिए। तो रिवाइज रिटर्न क्या है दोस्तों, कब रिवाइज रिटर्न करना बनता है, रिवाइज रिटर्न करने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, क्या रिवाइज रिटर्न करने पर किसी प्रकार की आपको टैक्स देना पड़ सकता है, इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, फीस पेनल्टी देनी पड़ सकती है, इस तरीके के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर के आज की इस वीडियो में आपके समक्ष हाजिर हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने दो मुख्य बातें रख रहा हूं कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स फॉर अ रिवाइज आईटीआर। रिवाइज आईटीआर भरने के लिए, यानी अगर आप आईटीआर रिवाइज करना चाहते हैं तो इसकी प्री रिक्विजिट पूर्व आवश्यकता क्या है। पहला पॉइंट, यू शुड हैव फाइल्ड अ वैलिड आईटीआर, कि आपकी ओर से पहले से एक रिटर्न फाइल की जा चुकी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि असेसमेंट ईयर 2021-22 की रिटर्न ज्यादातर असेसीज ने 31 दिसंबर 2021 तक फाइल कर दी। अब वो जो रिटर्न आपने फाइल करी है वो आपकी फर्स्ट रिटर्न है, और आप उस फर्स्ट रिटर्न को अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये कहलाएगा रिवाइज रिटर्न फाइल करना। तो यू शुड हैव फाइल्ड अ वैलिड आईटीआर, कि पहली रिटर्न आपकी वैलिड हो। दूसरी बात, द आईटीआर विच यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड मे हैव एन ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट। अब ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, अभी मैं इस पर चर्चा करता हूं, लेकिन सरल शब्दों में बोलूं तो ओमिशन यानी किसी चीज को भूल जाना, रॉन्ग स्टेटमेंट यानी गलत प्रस्तुतिकरण करना। तो इफ यू फाइंड दैट यू हैव फाइल्ड अ रिटर्न इन विच देयर वॉज एन ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, देन यू आर सपोज टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ। नाउ आई टेक यू टू द पॉइंट, व्हाट आर द वेरियस मिस्टेक्स विच प्रॉम्प्ट यू और विच आस्क यू टू फाइल अ रिवाइज रिटर्न। ऐसी क्या गलतियां कर देता है एक व्यक्ति जिसकी वजह से उसे रिवाइज रिटर्न भरने की आवश्यकता आ सकती है। बड़े ध्यान से समझिएगा सर, क्लेमिंग रॉन्ग exemptions, आपने कोई गलत exemption क्लेम कर ली कि किसी इनकम को आप एग्जम मान रहे थे जबकि वो टैक्सेबल है। जैसे मैं आपको बताता हूं सर, वित्त वर्ष 2020-21 से डिविडेंड का अमाउंट टैक्सेबल होने लगा। बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात बैठी थी कि साहब डिविडेंड इनकम तो एग्जम होती है, तो डिविडेंड इनकम को उन्होंने आईटीआर में ऑफर ही नहीं किया जबकि डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है। तो आपने एग्जम्पशन गलत क्लेम कर ली, आप अपनी रिटर्न को जाके चेक करिए, अगर आपने डिविडेंड की एग्जम्पशन ले ली है जबकि वो डिविडेंड टैक्सेबल है तो यू आर सपोज टू रिवाइज योर रिटर्न एंड इंक्लूड सच डिविडेंड इन टैक्सेबल इनकम। सेकंड, नॉट ऑफरिंग टैक्सेबल इनकम इन द आईटीआर इजी, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, कैपिटल गेन इनकम। बहुत सी बार सर मैंने देखा है, अपने प्रोफेशनल अनुभव से कह सकता हूं कि लोग सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अपनी रिटर्न में नहीं बताते। बहुत से लोग रेंटल इनकम अर्न कर रहे हैं पर रेंटल इनकम को रिटर्न में नहीं बता रहे। कैपिटल गेन की इनकम, क्योंकि शेयर मार्केट तो मुझे लगता है आज की डेट में हर भारतवासी जिसकी थोड़ी सी भी अफोर्डेबिलिटी है वो कैपिटल गेन के ट्रांजेक्शन कर रहा है, चाहे लॉस ही कमा रहा हो। अब आप कहोगे कि भाटिया जी, अगर मैंने लॉस नहीं दिखाया तो क्या तब भी मेरे को रिटर्न भर के रिवाइज करना चाहिए अगर ओरिजिनल रिटर्न में नहीं भरा? मेरा सजेशन है हाँ सर, अगर आपने कैपिटल लॉस भी कमाया है तो भी आपकी रिटर्न में ऐसा कैपिटल लॉस मेंशन होना चाहिए। अगर ओरिजिनल रिटर्न में आपने ऐसा लॉस नहीं मेंशन किया तो आज जाकर के जरूर रिवाइज करिए अपनी रिटर्न। क्लेमिंग रॉन्ग डिडक्शंस, मान लीजिए सर आपने सेक्शन 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन क्लेम कर लिया, एज्यूमिंग दैट के आपने सारे कॉन्ट्रीब्यूशन कर लिए, बाद में पता चला कि एक LIC का कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपने फाइनेंशियल ईयर में नहीं किया था, उसके बाद किया था, एंड यू आर नॉट देयरफॉर एंटाइटल्ड, यू शुड गो एंड रिवाइज योर डिडक्शन। So these are few grounds which I am putting up before you, and एक और important ground रखता हूं सर, offering income under lower tax rate। आपने मान लीजिए short term capital gain को long term capital gain के रूप में offer कर दिया, या जो long term capital gain 20% की rate का था उसे आपने 10% की rate में डाल दिया। इस तरह की गलतियां अगर आप कुछ कर चुके हैं अपनी original return में तो base बनता है, आधार बनता है अपनी return को revise करने का। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेदर फाइलिंग ऑफ रिवाइज रिटर्न अट्रैक्ट्स एनी पेनल्टी फीस और नॉट। देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देता हूं सर, कि आज की डेट में अगर आपकी बिलेटेड रिटर्न है तो भी रिवाइज हो सकती है, ठीक है। यानी मान लीजिए आपने 31 दिसंबर 2021 तक वित्त वर्ष 2021 के लिए एक रिटर्न भर दी तो वो बिलेटेड थी ही नहीं, और अगर बिलेटेड नहीं थी तो आप उसे रिवाइज कितनी भी बार करिए आपको कोई पेनल्टी फीस का भुगतान नहीं करना। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैंने तो 1 जनवरी 2022 ऑनवर्ड कोई रिटर्न फाइल करी असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए और
मैं उस पर्टिकुलर रिटर्न को रिवाइज करना चाहता हूं, तो सर बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है। तो अगर बिलेटेड रिटर्न में रिवाइज कर रहा हूं तो ये डिपेंड करेगा कि मुझे फीस ओरिजिनल रिटर्न में 0 देनी थी, 5,000 देनी थी या 1,000 देनी थी। अगर मैं रिवाइज रिटर्न में थ्रेशोल्ड एक्सीड कर रहा हूं 5 लाख की, तो हो सकता है मैंने ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड में किसी प्रकार की फीस ना दी हो, पर अब मुझे 5,000 की फीस देनी पड़े। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग बैठाई जा सकती है, और मेरा मानना है यहां आपके चार्टर अकाउंटेंट, आपके टैक्स कंसल्टेंट आपको सही गाइडेंस दे पाएंगे। Whether filing of revised return attracts any interest liability, a very important question, my dear friend, कि आपने एक ओरिजिनल रिटर्न भरी, अब आपको लगता है कि मेरी ओरिजिनल रिटर्न में मेरे को रिवाइज रिटर्न फाइल करनी है, अब क्या मुझे इंटरेस्ट भी और देना पड़ेगा? बिल्कुल सर, अगर आप रिवाइज रिटर्न करते समय अपनी टोटल इनकम बढ़ा रहे हैं और इस वजह से आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो आपको इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, ठीक है, 234A तो आपको जनरली नहीं देना है अगर आपके ओरिजिनल रिटर्न टाइमली फाइल्ड है। अगर आपके ओरिजिनल रिटर्न बिलेटेड फाइल्ड है तो रिवाइज करते समय 234A का इंटरेस्ट देना होगा। 234B इज फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है तो 234B का इंटरेस्ट और लगेगा। 234C क्योंकि आपने डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स किया है, आप इनकम बढ़ा रहे हैं तो 234C का इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है एक्स्ट्रा। और 234D कब एप्लीकेबल होता है सर, बड़े ध्यान से समझिएगा कि अगर आपने ओरिजिनल रिटर्न भर के रिफंड क्लेम कर लिया और अब रिवाइज रिटर्न में आप अपने रिफंड को कम कर रहे हैं, तो जितना रिफंड आप पहले एक्स्ट्रा ले चुके हैं वो रिफंड आज आपको विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको हो सकता है 234D का इंटरेस्ट भी देना पड़े। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सर आपके सामने रखता हूं, वेदर टोटल इनकम में बी रिड्यूस्ड वाइल फाइलिंग रिवाइज ITR, के लोग समझे इस प्रकार से कि सर मैं रिवाइज रिटर्न कर रहा हूं जनरली तब करूंगा जब मेरी इनकम बढ़ रही है। ऐसा नहीं है सर, आप रिवाइज रिटर्न फाइल करते समय अपनी टोटल इनकम को बढ़ा भी सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, यानी रिवाइज रिटर्न इज टू वे अप्रोच, यू मे इंक्रीज योर इनकम एंड यू मे रिड्यूस एज वेल। तो हो सकता है ओरिजिनल रिटर्न में आपने रिफंड कम क्लेम किया और आज आप रिवाइज रिटर्न करके अपने रिफंड को ज्यादा क्लेम करना चाहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू इट। हालांकि दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले दे दिया, परंतु पुनः देना चाहूंगा कि कैन अ बिलेटेड रिटर्न ऑल्सो बी रिवाइज? यस सर, आज की डेट में इनकम टैक्स लॉ में जो प्रावधान है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज की जा सकती है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर आपके सामने, हाउ मेनी टाइम्स अ रिटर्न कैन बी रिवाइज, कितनी बार एक रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है? आई मे से सर स्ट्रेट अवे, नो टाइम लिमिट, यानी कितनी बार करना है ऐसा कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। आप एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज कर सकते हैं, पर आप ही मेरे को कहेंगे कि भाटिया जी मजाक थोड़ी है जो बार बार मैं रिवाइज ही करता जाऊंगा अपनी रिटर्न। बिल्कुल सर, वन हैज टू बी विजिलेंट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फर्स्ट रिवाइज रिटर्न इटसेल्फ, कि वो सारी गलतियां जो उनके ओरिजिनल रिटर्न में रही थी उनको वो करेक्ट कर ले। किसी वजह से नहीं हो पाए तो फिर भी अगर आपको रिवाइज रिटर्न भरना है एंड देर इज अ जेन्युइन नीड ऑफ डूइंग सो, देन यू कैन डू इट। लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट अप टू विच You can revise your returns. So at the end, I hope, my dear friends, that all your probable queries pertaining to the revised returns are duly answered in this particular video. यदि आपकी कोई queries हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका उत्तर आपको दे पाऊं। धन्यवाद, जय हिंद।